हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिसेंट वीडियो में ये डिज़ाइन बना लिया था जिसमें हमने एक सर्च बार बनाई थी जिसके क्लिक पर हम चाहेंगे कि हमारा ये सारा वेदर चेंज हो जाए और हमारे एक एक चीज़ यहाँ पर बता दे उस सिटी के बेस पे जो वो सिटी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो डिज़ाइन हमने गाइज बना लिया था। आज की वीडियो में हम इसकी फंक्शनैलिटी पर वर्क करेंगे जिससे कि हम ये सारी चीज़ें वर्किंग में लेके आ सकें। उसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और जाकर देखते हैं कि हमने कोड में क्या क्या किया था। तो गाइज, जैसे कि हमारा कोड था, ये सब हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको दिख ही रहा है कि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन एक सिर्फ होम कंपोनेंट बनाया था, पेज बनाया था, इसी पेज के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें बना दी थी। अब हमें इसको फंक्शनैलिटी में लाना है। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है कि यहाँ पर हमारा जो इनपुट आ रहा है, हमें इस इनपुट को चलाना है, मतलब ये इनपुट हमारी वर्किंग में आनी चाहिए। तो गाइज, इनपुट को वर्किंग में लेके आने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ क्या करना होगा, उसको हमें डायनेमिक करना होगा ताकि जो भी हम एंटर करें वो चीज़ हमारी प्रॉपर चले। तो उसके लिए गाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बनाएंगे, यू स्टेट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने यू स्टेट बताई हुई है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। ये मैंने सिटी लिखा, यहाँ पर लिख दिया मैंने सेट सिटी। ये दो चीज़ें लिखने के बाद हम यहाँ पर इक्वल टू लगा के यहाँ हम लिखेंगे यूज स्टेट। यू स्टेट बनाकर हम इसके अंदर एक ब्लैंक छोड़ देंगे कि हमारा जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो ब्लैंक होगी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। और ये हमारा इनपुट है और ये है हमारा सर्च बटन, ठीक है जी। यहाँ पर गाइज हमने क्या करना है कि जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है वो वैल्यू हमारी क्या हो, साथ की साथ हमारी क्या करे कि जब यहाँ पर हम सर्च का क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद भी वो वैल्यू हमारी यहाँ पर ही रहे हमारे पास, जब तक पेज रिफ्रेश ना हो हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक वैल्यू प्रॉप्स को पास करना पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस चीज के अंदर हमें देनी पड़ेगी हमारी जो भी सिटी आती है। जैसे कि हमारी ये सिटी है, इस सिटी को मैंने यहाँ पर लगा दिया सिटी के इसमें। तो अब क्या होगा कि जो भी सिटी हमारी यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे इसको मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर ये कुछ भी लिखता हूँ तो आप देखोगे कि उसको यहाँ पर ये प्रीफिल्ड मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, रिफ्रेश किया हुआ है, वही चीज मिल गई, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ टी टी लिखा तो यहाँ पर इसको सिंपली टी टी मिल गया। मतलब ये चीज तो हमारी चल गई, जो भी हमारी सिटी में वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी यहाँ पर वैल्यू में शो हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर गाइस क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो भी हम टाइप करें वो साथ के साथ टाइप हमारे यहाँ पर भी होना शुरू हो जाए कि कौन सी सिटी हम टाइप कर रहे हैं। तो उसके लिए हम गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक इवेंट लगाएंगे जो कि होता है हमारा ऑन चेंज के नाम से। ऑन चेंज में बेसिकली क्या होगा कि जो भी चीजें चेंज हो रही होगी हमारी इनपुट फील्ड में, वो साथ के साथ रिफ्लेक्ट करती जाएंगी हमारे वहां पर, जो हमारा ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर ब्लैंक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, हम एक ई लेंगे, इवेंट लेंगे, और वो इवेंट क्या कर रहा होगा, जो हमारी सेट सिटी है गाइस, इस सेट सिटी के अंदर जाकर क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब वो क्या है, इसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी ना वो सेट कर देगा इसके अंदर, और सिटी के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी और वो वैल्यू हमें मिलेगी इस वैल्यू के अंदर भी। और जो ये चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ के अंदर भी हमें क्या मिलेगी, सिटी के अंदर वो वैल्यू। हाँ, अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सारा डिजाइन हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगर हमारी सिटी आती है तो हम यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, तो भाई साहब आप हमें सिटी दे दो, अदरवाइज आप क्या करो, हमें यहाँ पर रैंडम दे दो एंटर सिटी, एंटर सिटी लिख के दे दो। तो गाइज ये देखिए कि यहाँ पर इसने दे दिया अब एंटर सिटी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई सिटी नहीं है यहाँ पर दी हुई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा चंडीगढ़, जैसे ही मैंने चंडीगढ़ लिखा तो आप देख सकते हो कि साथ के चंडीगढ़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब एक काम तो हमारा हो गया डन, यहाँ पर ये हो गया हमारा डायनेमिक। अब हमें क्या करना है, जो हमने सिटी लिखी है उस सिटी को अगर हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हमारा चेंज हो जाना चाहिए। वो भी एक एपीआई होगी गाइस, जो हम ओपन सोर्स एपीआई यूज करेंगे, उस एपीआई के अंदर हमारे पास सारा का सारा वेदर का डेटा आएगा, वो डेटा हम यहाँ पर शो करवाएंगे सारा का सारा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं, और आप भी वहां पर जाकर अपनी एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर वहां से एपीआई को यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, अब हमारा सेकंड काम है कि हमने इस बटन को चलाना है। बटन को चलाने के लिए हम गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक बनाएंगे, बटन के अंदर हम एक इवेंट बनाएंगे ऑन क्लिक के नाम से। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारा फंक्शन होगा, जो हम ऊपर फंक्शन बनाएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया हैंडल चेंज, हैंडल चेंज नाम से मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ फंक्शन हैंडल चेंज के नाम से, ठीक है। हैंडल चेंज ऐसे नहीं, हम यहाँ पर कॉन्स्ट लिख के ही बनाएंगे इसको, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ये हमने इसको एरो फंक्शन बना दिया। तो ये हमारा यहाँ पर
क्लिक हो गया, लग गया, मतलब कितना काम हमारा हो गया। अभी सैंडल चेंज के अंदर क्या होगा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो जो ये वैल्यू सेट हो रखी है वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू चली जाएगी हमारी एपीआई के अंदर। एपीआई गाइस हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, हमारी एक आती है ओपन वेदर के नाम से, आई थिंक मैंने वो यूज की है। हाँ ये गाइज मैंने एपीआई यूज की है, एपीआई ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी। अगर मैं इसको यहाँ पर गूगल पर जाकर क्लिक करके चेक करूँ, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ हमारा, इसको कॉपी करते हैं, अगेन इसको पेस्ट करते हैं एंड क्लिक। अगर हम इस पे गाइज जाते हैं तो इस पर जाने के बाद आपको दिखेगा कि ये वेदर एपीआई नाम से एक वेबसाइट है ओपन वेदर नाम से, इसको अगर आप साइन इन कर लोगे, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री एपीआई के कॉल्स मिल जाएंगे 300 कुछ समथिंग, तो उसको आप यूज कर सकते हो। इन केस जब आप किसी प्रोजेक्ट पे प्रॉपर काम करोगे तो वहां पर आपको कंपनी परचेज करके देगी गूगल की एपीआई, आपने सिर्फ एपीआई को चेंज करना है, बाकी प्रोसेस सब सेम रहेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है इस चीज के अंदर। तो मैंने यहाँ पर गाइज इसकी एपीआई ली हुई है, यहाँ पर जब आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको एक एपीआई की मिलेगी, वो एपीआई की डालना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐप आईडी लिखा हुआ है ना, जो ये ऐप आईडी बेसिकली क्या है, एपीआई की है, ये मैंने यहाँ पर एपीआई की डाली हुई है। अब सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से गाइज हिट करता हूँ, हिट करने के बाद चंडीगढ़ यहाँ पर मैंने सिटी डाली हुई है, तो इसने मुझे कुछ डेटा दे दिया। हम इसी डेटा का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को डायनेमिक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ गाइज, फटाफट कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा कि हमने यहाँ पर एक्सियोस को इंस्टॉल करना है। एक्सियोस बेसिकली क्या है, एक पैकेज है जो क्या करता है हमारी एपीआई को हिट कॉल करने के लिए यूज आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सियोस एनपीएम, ये एक पैकेज है, सिंपली हम इस पैकेज पे गाइस जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि एक्सियोस पैकेज के डाउनलोड्स आप देख सकते हो वीकली कितने ज्यादा डाउनलोड्स हैं इसके, हर बंदा इसको यूज करता है जब अपने प्रोजेक्ट बनाता है। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, इसको एनपीएम इंस्टॉल एक्सियोस करना है तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको इम्पोर्ट कर लेना है, इम्पोर्ट करके सिंपली आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इंपोर्ट वाले को उठा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपली आपने उसी को उठा के वहां पर लिखना है npm i axios, तो आपका axios यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ गाइस, axios डॉट गेट नहीं, हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे गाइस, क्योंकि हमारी एपीआई पोस्ट की है। आप इस तरह से यहाँ पर गेट पोस्ट डिलीट अपडेट कोई भी एपीआई यूज कर सकते हो पैरम के साथ। तो इसके बाद फर्स्ट जो पैरामीटर आता है इसमें आता है हमारा यूआरएल, इस यूआरएल के अंदर हमारा यूआरएल आएगा। मैं यूआरएल को अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर गाइस मैं इसको पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट। पेस्ट करने से पहले यहाँ पर आएगा हमारा https ऐसे, ये गाइज हमारा यहाँ पर आ जाएगा, https लगेगा इसके आगे, मतलब यहाँ पर ये सिक्योर है तो हमें यहाँ पर https लगाना ही होगा गाइज यहाँ पर। तो आप जब ये लगा दोगे, एपीआई आपकी लग गई है, अब आपका यहाँ पर आप देखोगे कि वेदर आ रहा है, वेदर के बाद क्यू के बाद यहाँ पर आपको एक सिटी मिल रही है चंडीगढ़ लिखी हुई, जो सिटी हम एंटर कर रहे हैं वो सिटी के बेस पे हमें ये डेटा दे रहा है। ठीक है, अब हमने इस सिटी को करना है डायनेमिक। डायनेमिक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम इस सिटी को हटाएंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। हमारी जो ये सिटी है ना, ये सिटी हमारी डायनेमिक हो रही है, वैल्यू जो भी हम डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये सिटी को पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी सिटी आएगी वो सिटी एपीआई के अंदर जाएगी, और ये एपीआई क्या करेगी, उस सिटी के बेस पे हमें डेटा दे देगी। अब एक्सियोस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट देन का यहाँ पर हम यूज करेंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर गाइज मिलेगा इसका रिस्पॉन्स, कि बेसिकली इसका रिस्पॉन्स आ क्या रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पर res लिखूंगा रिस्पॉन्स पैरम के लिए, मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई मुझे चेक करना है कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर अगर हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू 200 आ रहा है, 200 बेसिकली होता है कि आपका सक्सेस, मतलब एपीआई का आपको रिजल्ट आ गया है, अदरवाइज आपको 404 503 कोई भी एरर आता है तो वो एरर में चले जाता है। अगर मेरे पास भैया जी ये वाला आता है डेटा, तो आप क्या करो, सिंपली आप मुझे क्या करो, कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को आप मुझे कंसोल करके दे दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया यहाँ पे, तो इन्होंने दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे गाइस कैच। कैच बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको बताया हुआ है ये भी अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर, देन कैच हम कैसे यूज करते हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। कैच में बेसिकली आते हैं हमारे पास एरर, अगर हमारा ये सक्सेस नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ एरर भी तो हमें थ्रो कराना पड़ेगा ना, तो मैंने ERR यहाँ पर लिखा। ERR लिखने के बाद मैं इसको बोल रहा हूँ, भाई अगर एरर आता है आपके पास तो आप मुझे कंसोल में दे दो एरर। तो मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने ERR कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर।
तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एरर। बस हमारा यहाँ पर हैंडल चेंज का काम खत्म। मतलब एक हमने एपीआई लगा दी यहाँ पर, एपीआई लगाने के बाद उसके स्टेटस हमने जो भी थे, अगर सक्सेस आता है तो हमने कंसोल ये करवा दिया, एरर आता है तो ये करवा दिया, और एक हमने एपीआई लगा दी, एपीआई के अंदर हमने इसको डायनेमिक कर दिया। मतलब इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। ये हैंडल चेंज को हमने यहाँ पर भी कॉल कर दिया। अब बेसिकली होगा क्या, जब भी आप इनपुट में चेंज करोगे, चेंज होते ही साथ साथ वैल्यू वो यहाँ पर सेव करता जाएगा। जैसे ही आप ऑन क्लिक करोगे, यहाँ पर बटन पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पर एपीआई में जाएगा ये वाला सिटी का नेम और वो डेटा दे देगा। इस चीज को हम चेक करते हैं हमारे कंसोल के अंदर कि हमारे पास डेटा आता है या नहीं आता। तो अब मैंने यहाँ पर गाइस चंडीगढ़ लिखा है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी एपीआई तो हिट हुई है, बट इसने हमें एरर दे दिया है। गाइस ये हमने यहाँ पर गलत कर दिया। ये बेसिकली क्या था कि ये कोलन हमारे यहाँ पर आने थे, वो इसलिए हमें एरर दे रहा था। अब अगर मैं इसको अगेन इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद सिटी को एंटर करता हूँ, तो इसने कुछ टाइम लिया अगेन, बट इसने हमें फिर से एरर दे दिया। गाइस एरर क्यों दिया, अगर हम रिस्पॉन्स में जाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा सिटी नोट फाउंड, अच्छा तो इसने एरर में क्या दिया, सिटी नोट फाउंड, इसको सिटी नहीं मिल रही गाइस यहाँ पर जो हमने सिटी डाली है। हाँ तो गाइस ये हमें बार बार एरर दे रहा है, एरर हमें दे रहा है बेसिकली सिटी का, सिटी के लिए एरर क्यों दे रहा है। ठीक है गाइज, इसको सिटी फाउंड इसलिए नहीं हो रही है यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट एक स्ट्रिंग के अंदर हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर लगा दिया। बल्कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर अगर हमें किसी चीज को डायनेमिक करना है तो डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें डॉलर लगाना होता है। तो इससे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि सिटी हमारी डायनेमिक हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंडीगढ़। जैसे ही मैं चंडीगढ़ लिख के एंटर करता हूँ तो गाइज आप देखोगे कि ये देखिए गाइज, इसने हमें एपीआई का रिस्पॉन्स दिया, डेटा आ गया हमारा। डेटा कौन सा आया, रिस्पॉन्स वाला। अब इसके अंदर अगर मैं चेक करूं, इसके अंदर जाकर हमें इसने ये सारा डेटा दे दिया कि हाँ भाई स्टेशन क्या है, क्लाउड के अंदर क्या आ रहा है, हमारा कोड क्या आया, कोऑर्डिनेट्स क्या आया हमारे, इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मेन के अंदर टेम्परेचर क्या है हमारा, मैक्सिमम प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये गाइस ये देखिए सब कुछ इसने हमें यहाँ पर उस सिटी के बेस पे दे दिया। ये नेम आ गया सिटी का हमारा, टाइम जोन आ गया, वेदर आ गया हमारे पास, वेदर क्लियर है, क्लियर स्काई है, ये मतलब इसने सारा कुछ हमें दे दिया। विंड के बारे में दे दिया कि विंड हमारी कितनी चल रही है। अब हमने इसी डेटा का यूज करके इस सारी चीजों को डायनेमिक करना है और कुछ नहीं करना, हमारा काम रह जाएगा यहाँ पे। अब ये जो हमारा टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर भी गाइस देखोगे कि आपने इसने हमें टेम्परेचर भी दे दिया यहाँ पे कि आपका कितना टेम्परेचर आता है। मतलब ये सारा कुछ हमें यहीं पे मिल गया तो हमें किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं रही। तो इसी चीज को हम डायनेमिक करते हैं और देखते हैं कि हम इसको फटाफट से कैसे कर सकते हैं। तो गाइज इसने हमें यहाँ पर डेटा दे दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर मैं यहाँ पर कोई भी सिटी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया पिंजोर, देन मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया ये सारा कुछ। हमने अब इसको क्या करना है गाइस, बेसिकली हमने इन्हीं सारी वैल्यूज का यूज करके इसको डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं, जो हमारा डिग्री आ रहा है हम इसको निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये किस में आ रहा होगा, ये गाइज ये देखिए, ये जैसे मेन है ना, इस मेन के अंदर हमें यहाँ पर टेम्परेचर मिल रहा है, बट ये हमें जो टेम्परेचर मिल रहा है गाइज, ये हमें मिल रहा है केल्विन के अंदर। केल्विन से हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस में इसको वो करना पड़ेगा डिग्री के अंदर, जिससे कि हमें पता लगेगा एग्जैक्ट हमारा क्या यहाँ पर कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे गाइज, हमें यहाँ पर डेटा में से निकालना है इस मेन के अंदर जाके टेम्परेचर को। तो उसके लिए हम एक ऐसा करते हैं, इसी के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। सिंपली गाइस मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन लिख के जो नेम है हमारा, इस नेम को मैं लिख देता हूँ केल्विन टू टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने गाइस इसका नाम लिखा। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आएगी वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी डिग्री की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिटर्न लगाते हैं। हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पर गाइस, हम लगाएंगे यहाँ पर एक रिटर्न। रिटर्न के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आ रही होगी उस वैल्यू के अंदर से हम इसको माइनस कर देंगे 273.15 को। बेसिकली ये वैल्यू गाइस वो वैल्यू है जो हमारी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करके उसकी एग्जैक्ट जो हमारा टेम्परेचर होता है वो निकाल के देती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम यूज करेंगे हमारे इसके अंदर कोड के अंदर यूज करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो मैंने जब इसको यूज किया, यूज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, इस पैरम के अंदर हमें भेजना है डेटा। डेटा हमारा कहाँ से निकल रहा था, रिस्पॉन्स डॉट कुछ करके, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टेम्पवेल
टेम्प वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास कहाँ से निकलेगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन, मेन में जाकर वो किस में थी, टीएमपी टेम्प के अंदर से वो वैल्यू हमारी निकल रही थी। इससे क्या होगा, अब हमारी जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पर मेन में आ रहा है टेम्प के अंदर, वो डेटा हमारा इसमें आ जाएगा। इस डेटा को हम यहाँ भेज देंगे। डाटा भेजने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और करते हैं, हम इसको यहाँ पर टू फिक्स कर देंगे। टू फिक्स बेसिकली वो क्या करेगा गाइस, टू वैल्यूज को लेगा यहाँ पर, और अब इसको हमें करना है यूज, तो हम इसको भी एक वेरिएबल में ले लेते हैं। हमने लिखा फाइनल वैल्यू इक्वल टू दिस, तो अब ये जो फाइनल वैल्यू है, इस फाइनल वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के पेस्ट कर दूं तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ गाइस, तो हमारी एपीआई हिट हुई। एपीआई हिट होने के बाद आप देख सकते हो इसने हमें 21.13 दे दिया, मतलब ये हमारा डिग्री का वो आ गया, ठीक है, मतलब इसने डिग्री के अंदर निकाल के दे टेम्परेचर हमारा कितने डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। बट हमें, हम अगर देखें कि हमारे पास टू फिक्स भी हमें नहीं चाहिए, टू फिक्स के बाद ये टू पॉइंट्स ले रहे हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली अगर जीरो लिख देते हैं गाइस, जीरो लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर हिट करूं तो आप देख सकते हो इसने मुझे सिर्फ 21 दे दिया, तो इसने क्या किया हमारा 21 दे दिया। अब हमने इसी चीज को यूज करना है, बट इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे क्या नाम, हमारी जो वैल्यू आ रही है डिग्री की वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर वैल्यू है, टेम्प आ गया। टेम्प के बाद मैंने सेट सिटी के अंदर यहाँ लिख दिया सेट सिटी टेम्प, इसके अंदर वैल्यू हमारी क्या आएगी फर्स्ट टाइम पे, इसको मैं यहां से हटा के लिखता हूँ जीरो, बट जो भी वैल्यू हमारी डायनेमिक होगी वो डायनेमिक वैल्यू हमारी आ जाएगी वहां पर। तो ये सेट जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, इसको हमें इस एपीआई में यूज करना होगा। इस एपीआई में मैं बोलता हूँ इसको, भाई जो भी आपके पास फाइनल वैल्यू आती है वो आप इसमें सेट कर दो, तो ये क्या करेगा, ये उसको सेट कर देगा, और ये जो टेम्प वैल्यू है इस टेम्प वैल्यू की हमें मिलेगी प्रॉपर। अब इसको हमें शो करना है हमारा कहाँ पर गया हमारा वैल्यू, यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर इसको डायनेमिक कर दूंगा और यहाँ पर टेम्प रख दूंगा। तो गाइस आप देखोगे फर्स्ट टाइम पे हमारा जीरो दे रहा है अभी, क्योंकि सिटी एंटर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक सिटी एंटर करता हूँ, पिंजोर नाम से या कुछ भी लगा लो, तो इसने 21 डिग्री दे दिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ लिखने के बाद अगर मैं हिट करता हूँ तो इसने मुझे इसका टेम्परेचर चेंज करके दे दिया। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर वेरिएशन हमारा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब इतना काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम एक साथ की तरफ फटाफट कर देते हैं कि हमारी जो ये विंड आती है ना, इस विंड को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और एक हम कर देते हैं यहाँ पर हमारा जो आ रहा है ये ह्यूमिडिटी, इन दो चीजों को भी हम फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं। उसको लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा विंड, जितनी भी हमारी विंड आ रही है, विंड बेसिकली हमारी आती कैसे, हम एक बार वो चीज चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेदर, मैंने यहाँ पर गाइस लिखा वेदर, वेदर के बाद हमारा क्या आता है, विंड आती है हमारी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। अब हमने निकालना है हमारे डेटा में से विंड। अगर मैं यहाँ पर जाऊं मेन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नहीं ये रही विंड, विंड के अंदर जाके हमें मिल रही है विंड यहाँ पर स्पीड 1.85, तो हमें इसको भी टू फिक्स करना पड़ेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितनी स्पीड से हमारी विंड आ रही है। तो विंड के निकालने के लिए हम अगेन फिर से हम यही चीज करेंगे, यहाँ पर हम सेव करवा देंगे गाइस एक विंड के नाम से, जो हमारी आ रही होगी विंड, इसके अंदर सेट कर दो सर आप जो भी आपकी विंड आ रही है, फर्स्ट टाइम पे जीरो होगी वो। सेट विंड हम करेंगे यहाँ पे अगेन, सेट विंड के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर विंड के अंदर आपकी स्पीड आ रही है, स्पीड आ रही है, ठीक है, ये विंड के अंदर सेव कर देगा। अब इस विंड को हम यहाँ से लेंगे, इस विंड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज के अंदर यहाँ पर इसको डायनेमिक कर देंगे। हमने विंड लिखा, विंड के बाद हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, टू फिक्स कर देते हैं इसको यहीं पर, कि हमारा जो भी टू फिक्स हो रहा है वो हमारी प्रॉपर आए। अब अगर मैं यहाँ पर सिटी अगेन दोबारा एंटर करता हूँ, पिंजोर से या कोई भी लगा लो, आप कोई भी कर सकते हो जो भी आपकी सिटी है, तो इसने यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें विंड बता दिया है। अगेन हमारा ह्यूमिडिटी है मेन के अंदर, ह्यूमिडिटी दे रहा है हमें 30। अब इस 30 को हम क्या करेंगे, सिंपली एज इट इज प्रिंट कर देंगे। विंड के बाद हम यहाँ इसको एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो भी, ये देखिए जैसे इसने यहाँ पर दिखाया था ना हमें कि ये हमारा ह्यूमिडिटी आता है 44%, तो हम इसको 44% के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी परसेंट में ही आए। ह्यूमिडिटी का यहाँ पर हमें एच छोटा करना पड़ेगा, और अगेन हम इसको यहाँ से हटाएंगे, ह्यूमिडिटी लिखेंगे,
ये जीरो रहने देते हैं हम। सेट ह्यूमिडिटी करेंगे अगेन, यहाँ पर जाकर सेट ह्यूमिडिटी के अंदर सर आप कर दो, क्या करो डाटा के अंदर जाओ, डाटा के अंदर जाकर आप मेन में जाओ, मेन में जाकर आप जाओ ह्यूमिडिटी के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर जाओ तो जो आपको वैल्यू मिल रही है सर आप उसको यहां से कॉपी करो। कॉपी करके सिंपली आप यहां पर क्या करो, ह्यूमिडिटी के अंदर इस जगह पर यहां पर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के लिए हमने ह्यूमिडिटी लिखा, इसको हटाकर हमने परसेंटेज लिख दिया, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी आ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं अगेन पिंजोर, तो आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी इसने 30 दे दी है, 2 किलोमीटर दे दिया, ये भी दे दिया, मतलब ये हमारी 3-4 चीजें पूरी सेट हो चुकी हैं जो भी हमने सेट करना है। ठीक है, तो गाइस अब हमारा काम आया कि ये सनराइज और सनसेट का टाइम लगाना और एक ये हमारा जो करंट टाइम है ये दिखाना। ठीक है, इसके बाद तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ टाइम फॉर्मेटर के लिए एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारा क्या करेगा, ये सारी चीजें कन्वर्ट करके देगा हमें इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा यहाँ पर डेटा आता है ना, हमारा जो भी हमारा ये डेटा आ रहा है, इस डेटा के अंदर जो भी हमारा टाइम आ रहा है, जो भी हमारी चीजें आ रही है, क्योंकि हमें कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। अब गाइस जो यहाँ पर ये सनराइज और सनसेट का टाइम है, जैसे अभी ये अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो ये हमें SYS के अंदर मिल रहा है, ये सनराइज और सनसेट, ये जो हमें टाइम मिल रहा है ये अलग फॉर्मेट में मिल रहा है, इसको हमें अपने फॉर्मेट में लाने के लिए एक फंक्शन लगाना ही होगा, हमें कुछ डेट फॉर्मेट का यूज करना ही होगा, तो उससे हमें ये उससे ये हमारी सारी चीजें चेंज होगी। तो उसके लिए गाइस मैंने कहा कि एक हेल्पर का फंक्शन बनाया, इस हेल्पर के अंदर एक फाइल बनाई helper.js, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया वेदर टाइम फॉर्मेटर, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर लेंगे, एक सनराइज और एक सनसेट। सनराइज सनसेट ये वाले हमारे जो टाइम फॉर्मेट है ये वाले हमारे इसके अंदर जाएंगे। फिर क्या होगा कि जो भी एक आएगा हमने उसके बाद लिया हमने यहाँ पर एक डेट का, नाउ क्या कर रहा है कि ये हमारी जो करंट डेट अभी की आ रही है ना, ये अभी की डेट को हमारा चेक करता है। ठीक है, इसने डेट को चेक किया, उसके बाद डेट चेक करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पर क्या हो रही है कि हमारा सनराइज और सनसेट का हम टाइम कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं यूनिएक्स टाइम स्टैम्प 2 मिलीसेकंड्स के अंदर, तो उसमें क्या कर रहे हैं हमारा जो सनराइज सनसेट आया है इसको हमने इंटू कर दिया 1000 से, तो हमारे ये टाइम फॉर्मेट निकल गया है। और ये हमें एक फॉर्मेट यूज करना होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के लिए, तो ये हम इसका फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम टाइम जोन के अंदर लिखते हैं एशिया कोलकाता, देन आवर के अंदर 2 डिजिट आने चाहिए, हमारे मिनट्स में भी 2 आने चाहिए, एंड आवर 12 में हमारा ट्रू होना चाहिए, जिसे यूज 12 बार फॉर्मेट हमारा यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक डेट के अंदर गाइस आता है 2 लोकल स्ट्रिंग, ये करता है जो भी हमारा सनराइज का ये हमारा टाइम यहाँ पर चेंज होकर आया मिलीसेकंड्स में, उसको क्या करेगा ये हमारा इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा जो भी हमारा यहाँ पर टाइम आता है। ठीक है, और जो हमारा करंट टाइम है, करंट टाइम निकालने के लिए हमने जो नाउ लिखा, इस नाउ के लिए हम लिख देते हैं 2 लोकल टाइम स्ट्रिंग। टाइम स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली हमारा जो करंट टाइम है वो टाइम हमें निकाल कर देता है। तो हमने इन 3 चीजों को ना एक रिटर्न कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया इन सभी चीजों का, जिसके अंदर हमें ये 3 चीजें मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली हम यहाँ पर एंटर करेंगे, हमारी ये पेज जैसे ही कॉल होती है हम यहाँ इसको बोल रहे हैं कि वेदर टाइम फॉर्मेटर को आप सर जी इम्पोर्ट करो, इसने ऊपर इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद इसके अंदर हमें देने पड़ेंगे गाइस 2 पैरामीटर जो कि हमारे होने वाले हैं सनराइज और सनसेट का टाइम, उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, वो हमने देखा था SYS में था हमारा। अगेन हम दोबारा देखते हैं SYS के अंदर जाकर सनराइज के अंदर आएगा हमारा सनराइज, तो हम यहाँ लिखते हैं सनराइज कोमा, अगेन हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके सेकंड हम पैरामीटर देंगे इसके अंदर जो कि था हमारा सनसेट, इस सनसेट को हम यहाँ पर दे देंगे, तो हमारे 2 पैरामीटर हो गए। अब ये तो रिटर्न कर देगा वैल्यू, बट इसके लिए हमें इसको एक स्टोर भी तो कराना पड़ेगा किसी वैल्यू के अंदर, तो हम यहाँ लिखते हैं टाइम वैल्यू लिखी हमने, तो टाइम वैल्यू पैरामीटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हमें 3 चीजें मिलने वाली है, सनराइज टाइम मिलेगा, सनसेट टाइम मिलेगा, और एक टाइम स्टैम्प मिलेगा जो करंट हमारा अभी का हो रहा है। ठीक है, अब इन 3 चीजों को हमारे पास आ तो गया, अब हमें इसको सेट भी तो करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लिखते हैं टाइम सेट कर रहे हैं हम यहाँ पर,
तो मैं यहाँ पर, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर ऐसे अभी लिख दी, कुछ भी लिख दी, बट जब हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉपर लिखना चाहिए। हम यहाँ पर टाइम ही सेट कर रहे हैं वैसे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अभी हम यहाँ पर जीरो नहीं करेंगे, हम ब्लैंक एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे, और ये जो ये सेट टाइम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारी करा देंगे टाइम वैल्यू को सेव। टाइम वैल्यू सेव होगी गाइज हमारी। अब इस टाइम के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का हमने यूज करना है सिंपली हमारे जहां जहां पर भी हमारे चेंजेस हमें करने हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इसको, और ये हमें किस में मिलने वाला था, इसके बाद हमें, हम यहाँ गए, हमें मिलेगा सनराइज टाइम। सनराइज टाइम हमें मिलेगा यहाँ पे, और जो सनसेट टाइम है वो हमें मिलेगा नीचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम सेट डॉट सनसेट टाइम को हम करेंगे कॉपी, देन यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद हमारा एक रह जाता है टाइम, ये टाइम भी हमें गाइज यहीं से मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर बनाए कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा जो हमारा करंट टाइम आएगा वो टाइम सेट के अंदर से हमें किस में निकलेगा गाइज, वो टाइम इन IST, IST जो भी हमारा टाइम है वो। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं फर्स्ट टाइम पे गाइस, हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि सारा का सारा क्लियर हो गया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ पिंजोर, पिंजोर एंटर करने के बाद मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स आया, तो आप देख सकते हो कि गाइस ने हमें सारा कुछ दे दिया है। अभी एग्जैक्ट हमारा टाइम हुआ है 8:01 AM, मतलब 8:01 हुआ है अभी AM के अंदर। देन हमारा जो सनराइज का टाइम था वो था 5:43 AM, देन हमारा सनसेट का टाइम है 6:56 AM, 6:56 PM, एंड देन विंड हमारी इतनी चल रही है, ह्यूमिडिटी हमारी इतनी चल रही है, और ये क्लियर जो आ रहा है ये क्लियर भी हमें यहीं से मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं वेदर के अंदर, अगर मैं जाऊं वेदर के अंदर, जीरो इंडेक्स पे हमें मेन के अंदर मिल रहा है ये, ठीक है। तो मैं अगर इसको हटाऊं यहाँ से क्लियर को, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा जो हमारी वैल्यू आ रही है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिटी का ही एक द्वारा बना देते हैं अगेन यहाँ पर, जिसमें हमें मिलेगा वेदर सेट वेदर, सेट वेदर लिख दिया गया यहाँ पे हमने, ठीक है जी। सेट वेदर के अंदर हमारे पास वेदर सेट होगा, जो भी हमारा वेदर आ रहा है, तो वेदर मैं यहीं से सेट कर देता हूँ। जो भी हमारा वेदर आएगा हमारा किसमें मिलेगा, वो रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट किसमें था हमारा मिलेगा वेदर, वेदर में जाओ जी, वेदर में जाकर जीरो इंडेक्स पर आपको जो मिल रहा है मेन, उसको सेव कर दो वेदर के अंदर। और अब ये जो वेदर है, इस वेदर को आप प्रिंट कर दो यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे अगेन दोबारा पिंजोर लिखूं मैं यहाँ पर और एंटर करूं, तो आप देख सकते हो कि इसने वेदर भी हमें क्लियर दे दिया यहाँ से, जो कि यहाँ पर हमारा आ रहा था, ठीक है। अब वेदर कोई भी अगर चेंज होगा तो यहाँ पर वेदर चेंज करके दे देगा हमें यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोवा, गोवा के अंदर गाइज अगर आप देखोगे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसने ये सब कुछ चेंज कर दिया और यहाँ पर क्लाउड्स दे दिया, क्लाउड मतलब क्लाउडी वेदर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ लास्ट में मेरे पास जो आया वो वहां पर इसने क्या दिया, नेम गोवा आ गया, वेदर के अंदर जाकर क्लाउड्स दे दिया इसने, ठीक है। अब हमारा गाइज सारा काम यहाँ पर बेसिकली हो चुका है, बस एक काम रह गया कि जैसे ही हमारा यहाँ पर चेंज होता है ये टाइम, क्लाउड आता है, वेदर आता है, तो उसके बेस पे हमारा यहाँ पर इमेज भी चेंज होनी चाहिए। इमेज चेंज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक लगाने पड़ेंगे कि हम कैसे कैसे इमेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे अगर देखें, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सोर्स के अंदर विंड की इमेज डाली हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगी कंडीशंस, कंडीशंस कैसे लगेंगी, अभी मैं सिर्फ दो लगा कर दिखाऊंगा आपको, एक क्लियर वाली और एक आपको ये क्लाउड वाली दिखा देता हूं मैं लगा के, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप बेसिकली कैसे इमेजेस को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज हमने कुछ नहीं करना, सिंपली हम यहाँ पर लगाएंगे वेदर, हम अपने वेदर को यूज करेंगे जी। हम यहाँ पर जाएंगे इमेज के अंदर, हमारी इमेज हमारी बेसिकली कहाँ शो हो रही है, ह्यूमिडिटी के अंदर, ये विंड आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, ये दूसरी इमेज जिससे हमारी एक एक क्लियर वेदर वाले आ रही है। अब हम यहाँ लगाएंगे कि भाई साहब अगर हमारे वेदर के अंदर आपके पास डबल इक्वल्स टू के अंदर अगर आपके पास आता है क्लियर, तो आप क्या करो, तो आप हमें क्लियर वाले सन की इमेज दे दो, ठीक है जी। अगर आपके पास नहीं आता वो, तो आपने क्या करना है, आपने हमें देना है इमेजेस के अंदर जाके हमारी जो पड़ी है यहाँ पर, अगर मैं एसेट्स में देखूं, एसेट्स में हमारे पास क्लाउडी, ये वाली क्लाउडी दें हम या ये दें, ये दे देते हैं, ये ठीक है,
थंडर डॉट पी एन जी, ठीक है ये वाली आ रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूं हमारे पास थंडर डॉट पी एन जी जो इमेज आ रही है, आप बेसिकली वो इमेज थंडर दे दो बस हमें इमेज, ठीक है। अभी वो हमें शो इसलिए नहीं करेगा बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पर अभी हमने उसको यूज नहीं किया। सिंपली फटाफट से यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर इसको हिट करता हूँ, हिट करके मैं यहाँ लिखता हूँ थंडर। मैंने कहा वैसे इमेजेस सारी निकाल के रखी हुई थी, मैं सारी लगा सकता हूँ बट उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं उसको भी नहीं लगा रहा हूँ। थंडर डॉट पी एन जी मैंने यहाँ पर लगा दिया। नेम हमारा सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में देखूँ तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि इसने ये दे दिया, बट फर्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक चीज और कर देते हैं कि अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें देना है दूसरा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर गाइस एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, सेम यही कंडीशन हम लगाएंगे। इसको उठाया हमने, यहाँ लिखा वेदर है अगर हमारा क्लाउड्स, अगर हमारा यहाँ पर वेदर क्लाउड्स है ठीक है तो आप हमें थंडर दे दो, अदरवाइज हमें आप क्या दो नोट फाउंड, ठीक है। अब ये नोट फाउंड दे देगा अदरवाइज हमारा यहाँ पे, अगर मैं देखूं सॉरी हमें वो ओल्ट में मिलता है गाइज, हमें यहाँ पर इमेज ही लगानी पड़ेगी। तो इमेज हम क्या करते हैं यहाँ पर, इमेज अभी के लिए हम यहाँ पर इमेज लगा देते हैं एक हमारी क्लियर वाली, पर क्लियर वाली से आपको पता नहीं लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर और कौन सी इमेज है, रेनी थंडर विंड विंड ह्यूमिडिटी क्लाउड, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो आप सिंपली क्या करो हमें क्लाउडी इमेज दे दो, जो भी हमारी क्लाउडी इमेज आ रही है। तो क्लाउडी इमेज बेसिकली हमें लगाने के लिए फिर से हमें एक अगेन यहाँ पर ये नया बनाना पड़ेगा। सिंपली जो भी हमने यहाँ पर लिखा है हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उसका, जो भी हमारी इमेज आती है ठीक है, उस इमेज को आपने सिंपली एग्जैक्ट नेम लिखना है। यहाँ पर क्लाउडी लिखा है, यहाँ पर क्लाउडी लिख के मैंने यहाँ पर कर दिया, ये है हमारी पीएनजी, पीएनजी इमेज आ गई। तो मैं यहाँ पर अगेन इसको हटाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इमेजेस के अंदर जाकर हमारी जो क्लाउडी इमेज आ रही है आप उसको प्रिंट कर दो। तो गाइज फाइनली हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट वर्किंग में आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ पिंजोर, पिंजोर लिख के मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो गाइज आप देखोगे कि इसने यहाँ पर हमारा पिंजोर का क्लियर वेदर था, तो इसने क्लियर इमेज दे दी, हमारा टेम्परेचर बता दिया, ह्यूमिडिटी बता दी, सब कुछ बता दिया। अगेन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोवा, गोवा लिखने के बाद आप देखोगे कि इसने हमें अगर उसका क्लाउडी वेदर था तो इसने इमेज भी चेंज कर दी, सनराइज का टाइम सनसेट का टाइम चेंज कर दिया, करंट टाइम बता दिया, ह्यूमिडिटी चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो गया। तो गाइज आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको समझ भी आया होगा कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। और गाइज एक चीज और, मैंने यहाँ पर जैसे एक एक चीज सेट करवाई है, आप ऐसे ना सेट करवाकर एक पूरा का पूरा एक सिंगल की के अंदर ही एक पूरा ऑब्जेक्ट सेट करवा सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ही आप डॉट डॉट करके वैल्यूज को निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी उस चीज को सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करोगे, मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया एक एक अलग अलग करके ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।